मस्ती परी गार्डन में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। तभी वहाँ बालवीर आ जाता है और मस्ती परी से कहता है, क्या मैं आपके साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ क्या? तो मस्ती परी कहती है, हाँ खेल सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना पड़ेगा। बालवीर इस बात के लिए मान जाता है और मस्ती परी अपनी पहेली पूछती है, बताओ ऐसा क्या है जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, पर ना ही शुरुआत में आता है और ना ही अंत में आता है। बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि इस पहेली का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब है आर, जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। बालवीर इसका सही आंसर बता देता है और मस्ती परी के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद बालवीर थक जाता है और पानी पीने के लिए चला जाता है। और पानी पीने के बाद जब बालवीर वापस आता है तो वह देखता है कि वहाँ एक जैसे तीन तीन मस्ती परी है। बालवीर सोचने लगता है कि इनमें से असली मस्ती परी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि इनमें से असली मस्ती परी कौन है? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ असली मस्ती परी सेकंड नंबर वाली है, क्योंकि आप मस्ती परी को ध्यान से देखोगे तो मस्ती परी के कपड़ों पे धूल लगी हुई है, जो फुटबॉल खेलते टाइम मस्ती परी के कपड़ों पे लगी थी। बालवीर असली मस्ती परी को पहचान लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों, इन दोनों कपल्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ कौन सा वाला कपल भूत है, बालवीर और अनन्या या फिर वीर और इमली? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर देखने से पहले आपने मेरे चैनल पहेली हाउस को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार पहेलियां मिलती रहे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बालवीर और अनन्या जो कपल है वह भूत है, क्योंकि आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो उनके पैर जमीन पर नहीं है, वह हवा में उड़ रहे हैं और कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।